जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम ये सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है आजकल के दौर में, ठीक है, बिजनेसेस। और इसके अलावा आप इस पे जॉब भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें। और मैं अपना इंट्रो ये है कि मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ, 8 सालों से मैं तकरीबन काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं डिफरेंट लेवल पे ट्रेनिंग भी देता हूँ, कॉर्पोरेट लेवल पे, मतलब लाहौर टेप्टा डिफरेंट जगहों पे वर्चुअली मैंने ट्रेनिंग्स दी, और इंडिविजुअल बिजनेसेस को भी हेल्प करता हूँ और ट्रेनिंग्स भी देता हूँ अगर ज़रूरत हो, क्योंकि हर बिजनेस वाला जो है वो फारिग नहीं होता, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। वो कहता है कि डायरेक्ट आप मेरा बिजनेस मैनेज करें, समझ रहे हैं आप। तो ये सिस्टम है और मैं आपको सारा जो भी बताऊंगा प्रैक्टिकल है, इसमें मेरे पास कोई थ्योरी नहीं है कि आपको मैं स्कूल की तरह, सईदा को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मेरे साथ के, जो भी काम है सारा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप सोशल मीडिया को यूज करके अपने लिए जो है क्या कर सकते हैं, पैसे मीन्स डॉलर। अब पैसों की हम बात इसलिए नहीं करते कि पाकिस्तानी लोग जो है वो काफी रिजिड होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन वो आपको ज्यादा पे नहीं करते, ये एक इशू होता है उसमें। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या है कि हम डॉलर्स में अर्न करेंगे, तो उसके लिए हमें पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्विसेज सेल करनी है। अब उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, आप पाकिस्तान से बैठ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर सकते हैं, जिसमें लिंक्डइन आता है वो प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। अब एक चीज और है, वो ये है कि ये आप सीख तो रहे शौक से, इसमें पैसे आपके थोड़े बहुत लगेंगे अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहें, ठीक है। उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे आपने सादा पे नया पे बनाया आपने, ये इसलिए आसान है कि आपको किसी बैंक जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने मोबाइल से ही आप एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर करते हैं और आपका बैंक अकाउंट समझे बन जाता है। उसमें आप डॉलर भी रिसीव कर सकते हैं और एड्स के लिए जो हमें कार्ड चाहिए होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे पास कोई स्लाइड्स नहीं है, तो आप अपने साथ अगर ये की पॉइंट नोट करते हैं कि आपको सादा पे या नया पे, ये आप अपने साथ नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मुझे लिखने की आदत नहीं है, मैं सारा जो है या सिस्टम पे रखता हूँ या तो फिर स्लाइड्स में अभी तक बनाई नहीं है इसके लिए सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल है। और बहुत सारे लोग इसीलिए स्टक होते हैं कि वो प्रैक्टिकल उन्होंने कभी किया ही नहीं होता। जैसे कि आप स्कूल कॉलेजेस में अगर देखते हैं तो उधर मसला ये है कि जो भी आपका ट्रेनर है उसने खुद ही वो बिजनेस कभी किया ही नहीं है, वो आपको बताएगा कि बिजनेस कैसे करना है। जैसे एमबीए वाले या जो उनसे बहुत सारे और भी फील्ड वाले हैं, उसको ये फिर मसला होता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि प्रैक्टिकली हमने काम करना कैसे, ठीक हो गया। ऑब्वियसली आपको जो है ना वो खरीदने होता है डोमेन होस्टिंग, ये सारी चीजें, बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग या नहीं? कुछ भी नहीं समझ आया आपको? दिमाग काम करे तो आगे जाते हैं, अगर नहीं कर रहा तो यहाँ पे ये इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे ही आज सिखा दूं। मंडे अगर कल ऑफ है तो फिर हम बाकी मंडे को करेंगे इंशाल्लाह, और मैं इवनिंग शिफ्ट में हूँ तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग अगर हैं तो मुझे मसला नहीं है बताने में। सब पे होना चाहिए, लेकिन जो बेस्ट है ना, क्योंकि लोग सर्चेस कहाँ पे करते हैं, फेसबुक पे नहीं करते, गूगल पे करते हैं या यूट्यूब पे। ये सर्च इंजन वो है ना, यहाँ पे हर बंदा आके सर्च करता है, कोई ना कोई उसको मसला होता है। जैसे सर वाली बात, 4H, ओ सॉरी 4W1H, मतलब वेन वेयर। जैसे अब मैंने सर्च किया कि जब मैंने यहाँ पे आना था कि DHA मैंने जाना है, तो मुझे तो पता नहीं था मैंने दूसरी सिटी से आना था, या इवन आप इस सिटी के भी हो तो कोई ऐसी जगह होती है जो आपने विजिट नहीं की होती, तो हम कहाँ पे जाते हैं? बार बार बंदों से तो नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि लोग आपको गलत भी बता सकते हैं, लूट भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। बाकी हाँ, तो इसलिए ना मतलब बेहतर ये है कि बस डायरेक्ट मैंने गूगल मैप लगा के जेब में डाल लिया, बस बैकग्राउंड ड्राइव करो या सामने रख दो मोबाइल, आपको दिखेगा कि बस इधर जाने, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, टाइम भी आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं, इतने टाइम में आप पहुंच जाओगे, समझ रहे हो आप। तो वो बेसिकली सर्च इंजन है, इसमें हम सर्चेस करते हैं। तो उसके लिए अब हम मतलब ये कि हम कस्टमर तक अपने आप को पहुंचाना है किसी ना किसी तरीके से, पेड वाला तरीका भी है, उसके लिए एड रन करने होते हैं गूगल या यूट्यूब पे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी किस चीज की, ब्रांड्स की, करीम, या करीम तो खैर अभी बहुत कम हो गया, अभी आजकल ये इनड्राइव और यंगो का आपस में कंपटीशन चल रहा है। तो आप जैसे यूट्यूब पे आते हो, तो मैंने तो यहाँ पे एड ब्लॉकर लगाए हुए हैं बहुत सारे, इसलिए मेरे सामने एड नहीं शो हो रहे, लेकिन आम मोबाइल पे जब मैं देखता हूँ तो तब भी एड आते हैं, और वैसे भी लैपटॉप पे आप जब चेक करते हो तो आपके सामने बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं। अभी इस यूट्यूब को भी हम सीखेंगे आगे, कैसे भी हम काफी हद तक SEO करके फ्री में बंदे ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना आपको कि ये सिस्टम है। अभी इसमें यहाँ पे देखिए कुछ ये जगह खाली है, तो मैं भी यहाँ पे ऐड हो, लेकिन वो मैंने ब्लॉकर इंस्टॉल किया हुआ है इस पे, तो वो ऐड मुझे शो नहीं हो रहे, और वीडियो के स्टार्ट में भी शो नहीं होते, मैंने वो ब्लॉकर लगाया। लेकिन नॉर्मल लैपटॉप या मोबाइल पे आप देखोगे तो वीडियो के स्टार्ट में ऐड आता है, तो वो पे करके आता है, वो फ्री में
नहीं होता, तो वो सर्विसेज भी आप सेल कर सकते हो, अपना बिजनेस खुद ही कर सकते हो प्रमोट। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो फिर बेस्ट ऑप्शन स्टार्ट में क्या है, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, और फिर आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो, चाहे वो फाइवर हो अपवर्क हो, कहीं पे भी आप सेल कर सकते हो। मतलब जितना मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी आगे आप फिर और जगहों से सीखो। जैसे मैं खुद ही भी एक जगह से सारा मैंने नहीं सीखा, अलग अलग जगहों से पे करके मिनते करके, क्योंकि कोई भी बंदा आपको प्रैक्टिकल बंदा आपको नहीं बताएगा, वो ये डरता है कि यार ये इसने सीख लिया तो मेरा पता सफा हो जाएगा, जबकि मेरी ये सोच नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई आपने अपनी मेहनत करनी है, अपना रिजक है आपका, मेरे से आप नहीं चोरी करो, क्योंकि मैं ये चीज कर रहा हूँ, आप मेरे क्लाइंट तो मुझसे चोरी नहीं करे ना, इलीगल तो ये है कि आप मेरे क्लाइंट मेरे से चोरी करो, वो तब गलत है। अगर वो मुझसे नहीं चोरी कर रहे तो मुझे कोई मसला नहीं है इसमें, मैं आपको सारा सिस्टम समझा दूंगा। आगे आप लोगों का काम है कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो आगे हम अभी इसको कंटिन्यू करें या ये काफी है आज के लिए, क्योंकि मुझे मसला नहीं है, मैं रोज भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग बिगनर्स हैं तो फिर आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, तो वो फिर स्कूल वाला सिस्टम हो के टीचर आते हैं जाते हैं, वो बंदे को समझ नहीं आती, तो ये वो वाली ट्रेडिशनल वो नहीं है। उर्दू में बताया ना कि हमें समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। हाँ ना, ये आप क्या बोलते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही, करें कंटिन्यू या ये काफी है आज का? दिमाग काम कर रहा है, एक्टिव है, फ्रेश है, फेसबुक का? हाँ बिल्कुल हाँ, ये मैंने चूंकि आपको एक्टिविटी का बताया तो वो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा तो ये जितनी चीजें बताई हैं क्लियर है ना, हम गूगल की तरफ चले गए, और गूगल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली गूगल यूट्यूब पसंद है, ठीक है। ये तो खैर अभी मैंने ब्रांडिंग चेंज किया एलसीडी के टाइम पे, इनको पता है हर चीज पे, मैंने यूट्यूब के स्टिकर, शर्ट्स, जितने भी स्टाफ है मेरा, सब पे मैंने यूट्यूब के स्टिकर्स लगाए हुए थे। तो टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज हूँ, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है, वो अभी भी मैं कर रहा हूँ। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि आज तक तो आपको मैंने देखा ही नहीं है उस पर, तो जरूरी तो नहीं है ना कि आप मुझे देखो, मैं अपनी सर्विसेज पे सेल कर रहा हूँ, उसमें जरूरत नहीं है कि मैं आपको शो हूँ, कुछ उसमें मैं अपना आप शो करता हूँ, कुछ उसमें मैं अपना आप शो नहीं करता, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। जैसे अब इंग्लिश मेरी अच्छी है, लेकिन अगर मैं कपड़ों में बैठ के अंग्रेज को करूंगा तो वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा, अगर मैं 3 पीस में बना के करूंगा तो वो मुझ पर ट्रस्ट करेगा कि हाँ यार इसकी इंग्लिश भी अच्छी है और ये बंदा जेन्युइन लग रहा है, मतलब प्रोफेशनल लग रहा है बेसिकली। अब मैं इसमें कपड़ों में डायरेक्ट बैठा हूंगा तो वो उसका जो ट्रस्ट लेवल है, पाकिस्तानियों पे ऐसे भी कम करते हैं वो ऑलरेडी। मैं अपना, क्योंकि ये ड्रेसिंग भी एक फैक्टर है, आप अगर वीडियो में अपेयर होते, बहुत सारी चीजें, इस तरह मैंने माइक कनेक्ट किया तो ये आवाज मेरी क्लियर, अगर माइक नहीं होगी तो वो डिवाइस दूर पड़ी तो आवाज नहीं जाएगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, टूल्स खरीदते रहो, तो मसला नहीं है। मतलब बहुत सारी बेतहाशा सर्विसेज आप सोशल मीडिया की दे सकते हो, जैसे ये यूट्यूब की एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, जितने भी ये वीडियोस हैं, तो ये सामने आपको क्या है? इसके नजर आ रहे हैं, इसका जो ये पिक्चर लगी है इसको हम थंबनेल बोलते हैं, तो ये थंबनेल डिजाइनिंग की सर्विसेज भी आप दे सकते हो। इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर होता है नॉर्मली, लेकिन अभी कैनवा ने हमारा काम आसान कर दिया, उसमें भी प्रो वर्जन है, प्रो आप ले लो तो आपका काम जो है आसान हो जाता है, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस आप करो बस आपका काम रेडी है। तो ये सिस्टम है कि इस पे आप मतलब बहुत सारी तरीकों से काम कर सकते हो। अब हम फेसबुक पे आते हैं, जैसे सर के देखिए बहुत सारे फॉलोअर्स है, और ये सारे ऑर्गेनिक है, मतलब कोई एड इन्होंने रन नहीं किया, डेली बेसिस पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, डेली मीन्स कि अगर हफ्ते में ही बनाते हैं, लेकिन इस तरह है कि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तानी लोग ड्रामे और ये चीजें बहुत देखते हैं, तो ट्रेंडिंग में वही चल रही होती है यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन नॉर्मली मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ कि आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर या मार्केटिंग वाला बंदा है कि उसने अपने पास स्टॉक जमा किया होता है बहुत सारा, कि आप आपका जैसे हम ड्रामे का कहते हैं कल एपिसोड आ रहा है तो ट्रेलर पहले से आता है, ट्रेलर कैसे पहले से आ जाता है आपको आइडिया है? मतलब आज सपोज 2 एपिसोड हमने देख लिए तो 3 का हमें ट्रेलर क्यों दिखाते हैं वो, तो वो कैसे, मतलब उन्होंने रिकॉर्डिंग की है या वो खत्म होगा फिर वो नवी रिकॉर्डिंग करेंगे? हाँ, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा तरीका यही है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल है, इसमें भी बुरी बात नहीं है, आप शुरू में आप जॉब करें, अपना हाथ सफा करें, फिर अपने बिजनेस की तरफ आए, क्योंकि हर बंदा डायरेक्ट बिजनेस भी नहीं कर सकता, अब वो बहुत लिमिटेड होता है, डर लगा होता है, और मोस्टली जो बंदा पीएचडी कर ले उसमें तो रिस्क बिल्कुल वो नहीं होता, मैं तो रिस्क लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग रिस्क लेने से डरते हैं कि यार ये अगर मैं ये सिटी चेंज करूंगा तो मेरा कंफर्ट जोन खराब हो जाएगा, तो इसमें फिर मेरी ग्रोथ नहीं होगी, ये वो, मतलब वो अपने लिए उसने हर्डल्स हमेशा बनाए होते हैं, तो वो उसमें स्टक रहता है। तो आपको तो मैं मोटिवेट करूंगा कि आप बिजनेस करें, लेकिन स्टार्ट में आप जॉब भी करें तो बुरा नहीं है, जैसे कि इनको कल एक अपॉर्चुनिटी मैंने बताई थी कि आप स्किल सीखो,
जॉब भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हमें हमारे नेटवर्क में किसी को चाहिए हो या कहीं पे भी, तो आपको वो मिल जाएगी। लेकिन उनका मेन मसला क्या होता है कि हमें काम वाला बंदा या बंदी चाहिए और मिल नहीं रहा, सही बंदा नहीं मिल रहा या बंदी जिसको काम समझ में आता हो। और हर एक के पास, मैंने आपको बताया, टाइम होता नहीं है कि वो आपको सारा काम सिखाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात है कि यहाँ पे आप अपना आप ट्रेन कर लें, फिर आपके लिए आगे कोई मसला नहीं होगा। एक होता है, देखिए पर्सनल आईडी है, जैसे ये मेरी राइट साइड पे देखें ना, ये मैं यूज नहीं करता ज्यादा फेसबुक। मुझे, मैंने आपको रीजन बताया, मुझे नहीं ज्यादा पसंद, मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे हर प्लेटफॉर्म पे रहना है, लेकिन मैं ज्यादा यूज नहीं करता, लोग करते हैं लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया कि मेरा काम है भाई, जहां से मुझे डॉलर आएंगे ना, पैसे आएंगे, तो वो बंदे का ज्यादा दिमाग और दिल उधर ही लगता है। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल आईडी है, हारिस खान ऑफिशियल वाला। ठीक है, और इसका नाम भी मैंने थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए रखा है कि ये आपको मैं जब बताऊंगा, सर्च करोगे तो मेरी आईडी टॉप पे आ जाएगी, नहीं तो इसमें तो हारिस बहुत सारे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बहुत है, तो फिर आपको समझ नहीं लगेगी कि ये बंदे को कैसे ढूंढना है। तो वो बंदे से भूल भी जाता है और वो कहेगा यार दफा करो, ये तो अनप्रोफेशनल, एक तरीके से अनप्रोफेशनल है कि नाम में मैंने, आपको नजर आ रहा है क्या मिस्टेक की हुई है, तो ये सही है या गलत है, आप क्या बोलते हो? स्पेलिंग तो हाँ वो तो है कि गलत है, लेकिन मैंने किस फैक्टर की वजह से डाली कि कोई बंदा सर्च करेगा ना, यूनिक हो गया एक तरह से, तो डायरेक्ट मेरी आईडी उसको सामने आ जाएगी। क्योंकि ये कब जरूरत पड़ती है, ये एडमिन एक्सेस लेने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आगे जाके, आप सीखोगे कि मतलब आप मुझे अपनी पर्सनल आईडी नहीं दो, मैं आपको बोलता हूँ ये मेरी आईडी लो, इसमें मुझे एक्सेस, जैसे यहाँ का लॉक है उसकी दो कीज हम बना लेते हैं, एक की आप रख लो एक की मैं, तो ये आईडी भी इस तरह की, ये की है आप समझ लें। पर्सनल हाँ, पर्सनल से आगे हम फिर पेजेस वगैरह बना भी सकते हैं, और हमेशा जरूरी नहीं है कि बनाएं। जैसे मैं सर की सपोज टीम में ज्वाइन होता हूँ, तो मैं सर का आईडी तो नहीं अपने साथ फिरा सकता, उसमें तो मैसेज है, पर्सनल डेटा है, तो मैं उनसे एडमिन एक्सेस लूंगा अपनी आईडी पे, पर्सनल आईडी पे हम बना भी सकते हैं। हाँ, और कहीं से हमें अगर कुछ चाहिए हो तो वो भी हम गेन कर सकते हैं, वो हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता। ठीक है साकिब भाई, वो वॉल्यूम बटन प्रेस, बल्कि इसको डिक्लाइन कर दे वॉल्यूम से, तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है, पर्सनल आईडी से हम बना भी सकते हैं और एक्सेस पॉसिबल है 100%। अभी स्टार्ट में तो आज आज के दिन का आपका टास्क है कि आप बनाओ, क्योंकि पैसे नहीं लग रहे और जब इंस्टेंटली बन जाएगा। हाँ, अब ये देखें ना यार, ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ये पर्सनल आईडी है, पर्सनल आईडी पे मैंने नहीं बनाना, ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, ये अब ये आइकन नजर आ रहे हैं आपको, ये देखें क्या है, क्रिएट, ये मैं आगे आपको अभी करके दिखा देता हूँ, बस ये फिर हमारा आखिरी टास्क होगा। ठीक है, लेकिन वो मैंने आपको क्लियर किया कि हमेशा तो हम नवा पेज नहीं बनाते। और एक चीज और भी है मार्केटिंग के हवाले से, कि आपको पता है या नहीं पता होगा क्योंकि आप फ्रेश हो, बहुत सारे लोगों को स्टिल नहीं पता, जैसे आपको ई कॉमर्स के उसमें भी पता है कि हम कोशिश करते हैं हमारा ओल्ड अकाउंट हो, ओल्ड कही है कि उस पर ट्रस्ट लेवल हाई होता है, और इसका एल्गोरिथम भी उसको जो है ना इतना वो नहीं करता, मतलब लो वो करते। ठीक, बिजनेस नहीं, वो तो आपका पर्सनल है ना, उसके लिए जैसे मेरा है बिजनेस के नाम पे, तो आपकी कंपनी तो नहीं है ना, वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें आप अभी मत जाओ। वो जैसे मेरा बिजनेस है वो अलग सिस्टम है, जैसे मेरे कंपनी अलग अलग होते हैं। अभी आप तो बिजनेस नहीं कर रहे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं अपना बिजनेस अकाउंट यूज करता हूँ बैंक का, जैसे कि मेरा ऑलरेडी HK डिजिटल मार्केटिंग के नाम से मीजान बैंक में अकाउंट है, तो वो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको पहले कंपनी रजिस्टर करनी है, टैक्स, आप, मैं टैक्स पेयर हूँ बेसिकली, और आप टैक्स पेयर हैं लेकिन आपका रिकॉर्ड नहीं है ना, उसके लिए आपको फाइलर, वो चीज़ें, वो फिर एक अलग सिस्टम है, उस पर आपके पैसे लगेंगे। मैं आपको स्टार्ट में ऑप्शन बता रहा हूँ जिसपे आपके पैसे नहीं लगने। ठीक है, वो आप बना सकते हो, मसला उसमें नहीं होता कुछ भी। तो ये आपको समझ आ गया था ना, टॉप पे जो 4 डॉट्स हैं या 6 6 डॉट्स हैं, 6 नहीं 16 है, सॉरी ये बहुत छोटे हैं,
16 डॉट्स हैं, तो इस पे आप जब क्लिक करोगे ना डॉट्स पे, तो वो क्रिएट पेज पे आप जाओगे, नाम आपने देना होता है, और उसमें कोई भी स्टार्ट में रख लो, मसला तो नहीं है, बाद में फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता दिमाग काम करेगा, है ना। बिजनेस जैसे ये अभी स्टार्ट से जो सर वाली आईडी खुली थी, तो ये सर की पर्सनल आईडी है, लेकिन पेजेस अलग अलग हैं। जैसे इन्वेस्टर का है वो आईडी नहीं है, वो क्या है, पेज है। अब समझ आ रही है ना। अब वो पेज जो है ना, वो डिफरेंट बंदे मैनेज कर रहे हैं। मैं इस तरह नहीं कर सकता कि भाई आपका क्या नाम है, आमना को मैं कहूँ आप मुझे अपना जो है ना वो दे दो आईडी, तो वो तो आप हेजिटेट होगी कि इसमें मेरा चैट है, ये वो आप भी नहीं दोगी और मैं भी नहीं दूंगा। तो उसका आसान हल ये है कि मैं आपको अपने पेज की एक्सेस दे देता हूँ, आपकी आईडी पे आपको वो मिल जाता है। अभी आगे आपको जाके समझ आएगा, लेकिन मैं डे वन से आईडी आपको दे दिया कि इसमें आपके पैसे नहीं लगने और ये आपके जो है ना फ्री है ना, इसमें वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। आपसे कंफर्मेशन नहीं मांगे, गूगल आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि भाई आप स्कैम तो नहीं किधर कर रहे हो। इंस्टा पे भी कर सकते हो, वो भी फ्री है, वो भी फ्री है। लेकिन मैं आपको पॉसिबल ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं, ये आप कर सकते हो और ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर नहीं करते हैं तो आपके इतना नुकसान है, मुझे इससे कोई मसला नहीं होने वाला। हाँ, ये ऑलरेडी कर रहे हैं ना, और उसमें भी फिर सीक्रेट्स हैं ज्यादातर, मैं बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा कि इस तरीकों से आप इसको एक्सेल कर सकते हो। अब ये विन विन सिचुएशन है, मैं आपसे पैसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मैं काम सिखाऊंगा, आप अपने लिए भी काम करो, मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि नहीं। आज सही, मैंने तो आपको बताया आज सही आपका समझे कि बिजनेस हो गया, वो कंपनी नहीं रजिस्टर, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप में वो करिश तो हो जाएगी ना। जैसे आपको मैंने अपना बनाया बताया कि भाई मैंने एक फेलियर फेस किया है, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी था कि यार मैंने पूरी महीना गर्मी में इतनी मेहनत भी की, आया गया और वो पैसे नहीं उसने मुझे दिए। 100-100 रुपए के भी स्कैम हुए उस टाइम पे, आजकल भी होते हैं 100-100 रुपए का स्कैम, लेकिन उसने मुझे मोटिवेट किया, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने पेज बनाया, तो उसको मसला हो गया, जेली सी हो गई यार, ये तो बंदा बहुत तेज है, इसने तो बिजनेस अपना शुरू कर लिया। हालांकि कोई बिजनेस नहीं था मेरा, को तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस टाइम से मैं डेली ग्राफिक्स बनाता था पोस्टर, उस टाइम कोरल ड्रा में यूज करता था। अब तो कैनवा से बहुत आसान है, बस तैयार चीजें हैं और उसमें आप चेंजेस करो। तब मैं बैठ के खुद ही बनाता था, बस वो मैं पोस्ट करता था और उधर उसको आग लगती थी, मुझे मजा आता था, मोटिवेट होता था कि यार चलो अच्छा ये भी एक कामयाबी है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और अगले को इतनी टेंशन लगी हुई है कि यार इसने ये कर लिया वो कर लिया। तो ये बस सारी चीजें हैं, थैंक यू आप लोगों के टाइम का, और आपको होपफुली मैं आसान वर्ड्स में आपको कोशिश किए कि समझाऊं। इंशाल्लाह फिर यही है कि मंडे को होगा ना, कल शायद ऑफ है, इंशाल्लाह फिर मंडे को बाकी करते हैं। साकिब भाई वो पहले उसको उस फोटो पे क्लिक करें, जरा ये थंबनेल बनाते हैं, आप जरा बैठ जाएं, क्योंकि ये सारा आपको आगे समझाऊंगा ना कि फोटो पे आप इसको क्लिक करके छोड़ दें, आप भी बैठ जाएं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। सभी अगर आप जाना चाहते हैं आप चले जाएं।